नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर कसा गया कानूनी शिकंजा हर मिनट और भी ज्यादा कसता जा रहा है। मंगलवार दोपहर से ही चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और ईडी सीबीआई उनके घर के चक्कर काट रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से आईएनएक्स मीडिया केस में राहत न मिलने की वजह से अब चिदंबरम गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पी चिदंबरम को तुरंत गिरफ्तारी पर राहत मिलने से झटका लगा है। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पी चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी अब पी चिदंबरम अगर देश से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल मामले को सामने रख रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जानकारी दी और पूरी तरह मामले की सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की अपील की है, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने किसी तरह का फैसला देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वो इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेजेंगे, वो इस पर तुरंत सुनवाई का फैसला करेंगे। पी चिदंबरम के वकील की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये मामला इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वो अभी अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पी चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से गैर कानूनी रूप से स्वीकृति दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस केस में अभी तक चिदंबरम को कोर्ट से करीब 2 दर्जन बार अंतरिम प्रोटेक्शन यानी गिरफ्तारी पर रोक की राहत मिल चुकी है। ये मामला 2007 का है जब चिदंबरम देश के वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। 2017 में सीबीआई ने इस मामले में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से मिली स्वीकृति में गड़बड़ी पर एफआईआर दर्ज की, जबकि ईडी ने 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। इस मामले में आईएनएक्स मीडिया की मालकिन और आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को इस केस में अप्रूवर बनाया गया और इसी साल उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया। सीबीआई के मुताबिक मुखर्जी ने गवाही दी, उसने कार्तिक चिदंबरम को 10 लाख रुपए दिए। जहां एक तरफ पी चिदंबरम पर कानून की नजर लगातार पैनी हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक चिदंबरम मीडिया की नजरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। चेन्नई में अपने घर से निकलते वक्त भी उन्होंने मीडिया को किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चले गए। गौर करने वाली बात यह है कि कार्तिक चिदंबरम पर भी एयरसेल मैक्सिस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। इस मामले में अब प्रियंका गांधी ने चिदंबरम का समर्थन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का कहना है कि हम चिदंबरम के साथ खड़े हैं और हम हमेशा ही सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे फिर परिणाम कुछ भी हो। चिदंबरम के हित में प्रियंका वाड्रा का कहना है कि राज्यसभा के एक अत्यंत योग्य और सम्मान्य सदस्य पी चिदंबरम ने वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में दशकों तक निष्ठा के साथ हमारे देश की सेवा की। वो मोदी सरकार की विफलताओं को उजागर करते हैं जो इस कायर सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए उन्हें शर्मनाक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चिदंबरम पर और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। इजाजत दीजिए, इस मामले की और भी जानकारी के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट बाइट के साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।